दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि जैसे सभी ट्रैक्टरों में अल्टरनेटर होता है जिसका काम बैटरी चार्ज करने का होता है, तो दोस्तों कई बार ये अल्टरनेटर ख़राब हो जाता है। अल्टरनेटर ख़राब भी हो जाता है, लेकिन कभी होता है कि फ्यूज़ उड़ गया, वायरिंग ख़राब हो गई, तो हमें सही मायनों पता नहीं लग पाता। तो आज हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप ये जान सकें कि आपका ट्रैक्टर में अल्टरनेटर लगा जो जो लगा हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। और भाई, उसके लिए आपको ट्रैक्टर में से कुछ भी पार्ट्स खोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मिनट लगेगा आपको चेक करने के लिए। बहुत ही अच्छा और सस्ता उपाय है ये। तो दोस्तों, जो ऐसा आप देख रहे हैं 485 जो सामने खड़ा है, इसका अल्टरनेटर ख़राब हो चुका है, और जो 557 है, 557 का सही अल्टरनेटर है। तो मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 485 का अल्टरनेटर के काम करने का तरीका जो इस टाइम है और जो 557 का तरीका है, दोनों का इस टाइम अलग अलग तरीका है। मैं आपको दोनों को बिल्कुल प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं हम ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, आप लोहे की कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे मैंने भी ये पेचकस लिया हुआ है, आप प्लास चाबी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और उससे ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल ही जो सबसे सस्ता उपाय तरीका है वो बताऊँगा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ट्रैक्टर की पुली दिखाई दे रही है आपको, इस टाइम अल्टरनेटर घूम रहा है, जो ट्रैक्टर की पुली दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर की पुली के आगे आपको पेचकस लगाना है। ये देखते कुछ लोग देखे दोस्तों, जो मैंने पेचकस लगाया ट्रैक्टर की पुली के सामने, आपने देखा कि ये पेचकस बिल्कुल आराम से लग रहा है, ये अपनी तरफ खींच नहीं रहा है इसे। जो इसमें अल्टरनेटर मैग्नेट होती है, अगर सही अल्टरनेटर होता है तो मैग्नेट अपनी तरफ लोहे को खींचती है, जबकि ये अल्टरनेटर इस टाइम खराब है तो ये अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा एक बार, ये देखिए आप दोस्तों, मैं हाथ से आराम आराम से लगा रहा हूँ, ये देखिए आप। दोस्तों, क्योंकि अल्टरनेटर खराब है तो अपनी तरफ से अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैग्नेट है वो खराब हो चुकी है इसकी और ये पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों, 485 का बंद करते हैं और मैं आपको 557 का दिखाता हूँ कि उसका अल्टरनेटर काम कर रहा है तो उसका तरीका क्या है। दोस्तों, 557 की तरफ चलते हैं, तो इसमें यहाँ पे अल्टरनेटर दिया हुआ है साइड में, इसमें बोनट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसमें भी हम आपको यहीं पे पेचकस लगा कर दिखाएंगे, तब आप देखना कि इस कोर्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों, 557 भी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, साउंड भी सुन सकते हैं, आइडियल आर पी एम पर है। तो दोस्तों, आप पेचकस को देखना, दोस्तों देखिए, दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही पेचकस के पास लाते हैं पेचकस को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ये सही अल्टरनेटर है और इसे चिपक के चलने लगता है पेचकस। आपको एक बार फिर दिखा दूं, दोस्तों देखिए, मैंने पेचकस को छोड़ा हुआ है, देखिए आप। दोस्तों देख सकते हो, आगे से पेचकस बिल्कुल अपना आप ही उसने खींच के रखा है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है जानने का कि आपके ट्रैक्टर का अल्टरनेटर सही है या नहीं है। दोस्तों देखा आपने, सबसे आसान तरीका है ये। और दोस्तों, अगर आप दूसरा तरीका भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों, दूसरा तरीका ये है, आप ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आपको ट्रैक्टर की हेडलाइट ऑन कर देनी है और फिर बैटरी के तार हटा देना है। तो मैं आपको दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर बंद है तो बैटरी से भी ट्रैक्टर की लाइट चालू है। तो दोस्तों, अगर इसका अल्टरनेटर काम करेगा तो बैटरी का तार हटाने के बाद भी ये लाइट जलती रहेंगी, अगर अल्टरनेटर खराब है तो लाइट बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप कोई सा भी एक तार हटा सकते हैं, प्लस का या माइनस का कोई सा भी। तो दोस्तों, मैंने ट्रैक्टर का माइनस वाला तार हटा दिया है, आप देख सकते हैं, और लाइट बंद हो चुकी हैं, क्योंकि जब अल्टरनेटर ही काम नहीं करेगा तो बैटरी तार हटने पर लाइट बंद हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको बैटरी कवर उतारना पड़ेगा, बैटरी का टर्मिनल हटाना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। और दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका तो वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों।